कोल जो कि एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फॉसिल फ्यूल है डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल को। कोल फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो ये अर्थ क्रस्ट के नीचे दफन हो जाते हैं। इन डेड प्लांट्स को वुड कहा जाता है। याद रखें कि जब ये वुड ज़मीन के नीचे दफन हो जाती है तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वुड सबसे पहले पीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ज़मीन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये पीट मिलियन ऑफ एयर गुजरने पर हमारे पास कोल फॉर्मेशन करता है। कार्बन कंटेंट की बेसिस पर कोल को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ कोल हमारे पास पीट कहलाता है, सेकंड टाइप ऑफ कोल लिग्नाइट, थर्ड टाइप ऑफ कोल बिटुमिनस, जबकि फोर्थ टाइप ऑफ कोल को एंथ्रासाइट कहा जाता है। कार्बन कंटेंट की बेसिस पर कोल को इन फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यही वजह है कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास कार्बन कंटेंट इस कोल में इंक्रीज होता जाता है, यानी कि सबसे कम कार्बन का कंटेंट हमारे पास पीट में है, इससे बढ़ते हुए लिग्नाइट में ज़्यादा है, इससे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की बिटुमिनस में, और सबसे हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट हमारे पास एंथ्रासाइट में मौजूद है। सो फोर स्टेजेस हैं जिससे हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ कोल फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब डेड प्लांट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट बरेड हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में कोल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस मिलियन ऑफ एयर में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास ये डेड प्लांट जिसे वुड कहा जाता है ये पीट में कन्वर्ट होता है, यानी फर्स्ट स्टेज जो होता है कोल फॉर्मेशन का इसे पीट कहा जाता है। याद रखिए कि यहाँ पर कार्बन कॉन्टेंट सबसे कम होता है, जबकि हमारे पास वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा पीट में मौजूद होता है। पीट जिस सेकंड फॉर्म ऑफ कोल में कन्वर्ट होता है इसे लिग्नाइट कहा जाता है, जिसमें कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू पीट ज्यादा होता है, जबकि वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर कंटेंट एज कंपेयर टू पीट कम होता है। लिग्नाइट जिस थर्ड फॉर्म ऑफ कोल में कन्वर्ट होता है इसे बिटुमिनस कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन कंटेंट लिग्नाइट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जबकि मॉइस्चर कंटेंट और वॉलेटाइल मैटर कम होता है। बिटुमिनस को यूज़ किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इस टाइप ऑफ कोल को हम घरों में डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के लिए भी बिटुमिनस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बिटुमिनस से जिस फोर्थ टाइप ऑफ कोल की फॉर्मेशन होती है इसे एंथ्रासाइट कहा जाता है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। यहाँ पर कार्बन के कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, जबकि मॉइस्चर कंटेंट और वॉलेटाइल मैटर इस टाइप ऑफ कोल में सबसे कम होता है। यही वजह है कि एंथ्रासाइट जो है बेस्ट टाइप ऑफ कोल है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने पर इसकी फॉर्मेशन होती है।